एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो आज है संडे और मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी घर की सफाई करने में, क्योंकि ईद है तो मैंने सारी घर की सफाई कर ली है और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो मेरी जो सफाई है वो 3 बजे तक कम्प्लीट हो गई थी। सारा मैंने हॉल, बेडरूम वगैरह सब क्लीन कर लिया था। थोड़ी सी मुझे बेडरूम की और सफाई करनी है जो मैं यहाँ पर अभी करने वाली हूँ। तो मैंने ऊपर से सारा फ़ैन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, सारे जाले वगैरह मैंने झटक दिए हैं और अभी मुझे सिर्फ ये बेड क्लीन करना है। और मैंने बेड के नीचे से भी बहुत सारा कचरा निकाला है। बहुत दिनों के बाद मैंने बेड को साफ़ किया था नीचे से, तो बहुत ज़्यादा उसमें से कचरा निकला था। तो चलिए मैं बेड को ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, इसकी बेडशीट वगैरह सीधी कर देती हूँ। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया था लेकिन मैं हॉल में सफाई करने चली गई तो बच्चों ने इसको फिर से गंदा कर दिया है। तो मैं एक बार इन सबको सेट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सुबह में फिर से टाइम नहीं मिलेगा इन सब काम को करने के लिए। तो मैं बेडशीट वगैरह सही कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ का झाड़ू लगा लूँगी। और मैंने यहाँ के स्विच बोर्ड क्लीन नहीं किए हैं, वो भी मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा बेड को भी मैं साफ़ कर लूँगी, थोड़ा सा उस पर डस्ट लग रहा है क्योंकि ऊपर से फ़ैन क्लीन करने के बाद मैंने बेड को साफ़ नहीं किया था। तो चलिए मैं पहले बेड को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ की क्लीनिंग करूँगी थोड़ी सी। और यहाँ पर देखिए हिमांत मस्ती कर रहे हैं, छाता लेकर बैठे हुए हैं। और ये जो सारे कपड़े हैं वो मैंने कल धोए थे, वो भी मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे कपड़े दूसरे जो मैंने धोए थे वो सुखाने थे, तो मैंने इनको निकाल दिया है। बस अब मैं इनको तय करूँगी सारी क्लीनिंग वगैरह कर कर। इस पर मुझे डस्ट लग रहा था, पहले भी मैंने इसको साफ़ किया था लेकिन पंखा साफ़ करने के बाद फिर से इस पर डस्ट आ गया था, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। और कल की ईद है तो आज का मेरा टारगेट यही होता है कि मैं सारी क्लीनिंग आज ही कर दूँ, कल ईद के दिन कोई भी सफाई ना रहे, घर इतना क्लीन हो कि कल गंदा ही नहीं हो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है, ईद के दिन भी हमें थोड़ी बहुत सफाई कर लेना पड़ता है। तो ये देखिए स्विच बोर्ड मैंने यहाँ पर कर दिए हैं साफ़, ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे लेकिन थोड़ा सा डस्ट इस पर आ गया था क्योंकि मैं बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ, हर 2-4 दिन में स्विच बोर्ड पर मेरा हाथ जाता ही है, कोई ना कोई कपड़ा लेकर मैं उनको साफ़ करती रहती हूँ। और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी मैं जल्दी जल्दी घर की सफ़ाई करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा सामान लेने के लिए। कल ईद का सामान लाना है मुझे, चिकन वगैरह लेकर आऊँगी मैं जाकर। जो भी शीरखुरमे का सामान है वो तो अवेलेबल है मेरे पास, सिर्फ थोड़ा सा चिकन और हरा मसाला जो भी है वो मैं जाकर लेकर आऊँगी। और अभी तक मैंने शीरखुरमे की कोई तैयारी नहीं की है क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि फटाफट मैं काम निपटा लूँ, खाना वगैरह बना लूँ, उसके बाद मैं रात में 7 बजे के बाद बैठकर मैं शीरखुरमा वगैरह उसकी जो तैयारी है उसकी मैं कर लूँगी, सारे मग़ज़ियात मैं काट लूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अभी मेरी सारी जो सफाई है वो कंप्लीट हो गई है, सुबह से लगी हुई हूँ मैं, सारा काम मेरा अब जाकर कंप्लीट हुआ है और अभी कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जो क्लीन नहीं हुआ है, सारी मैंने सफाई कर दी है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी और चिकन वगैरह लेकर आने के लिए, जो भी कल मुझे लगने वाला है मैं वो जाकर लेकर आऊँगी, उसके बाद मैं अपना खाना वगैरह बना लूँगी। और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, मैं सोच रही हूँ मैं बाहर जाकर ही चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर जा रही हूँ वहाँ पर सामने ही एक कैफ़े है तो वहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिलती है। तो चलिए चलते हैं, वहीं पर जाकर मैं चाय वगैरह पी लूँगी और उसके बाद मैं आने के बाद जो शीरखुरमे की तैयारी है वो मैं कर लूँगी। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जाकर आ जाती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जहाँ पर मैं सब्ज़ी लेने आई हूँ वहाँ पर फ़िश बहुत अच्छी लग रही है,
तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी फ़िश ले लूँगी, तो अभी मैं उसको फ्राई कर लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये वाली फ़िश ले रही हूँ जो मैंने इससे पहले लिया था, जिसमें काटा नहीं होता, सिर्फ एक काटा उसमें होता है और वो खाने में बहुत ईजी होता है, बच्चे वगैरह सब उसको खा सकते हैं, बिल्कुल काटे की कोई शिकायत इस फ़िश में नहीं होती। तो चलिए मैं फ़िश ले लेती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, और हिमाद को कुछ खाना भी है, तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं क्या खा सकते हैं यहाँ पर। हमारे घर के पास में ना अभी नया वाला होटल खुला है जो पूना का सबसे फेमस होटल है, वो है जोशी वड़े वाले, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, पता नहीं कहाँ पर है और दूसरी जगह पर बॉम्बे वगैरह में है या नहीं, लेकिन पूना में ये फेमस है, यहाँ का जो वड़ा पाव है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने ले लिया है यहाँ पर वड़ा पाव, मैं और मेरा भाई वड़ा पाव खा रहे हैं और हिमाद सिर्फ सिंगल पाव खा रहे हैं, क्योंकि हिमाद को सिर्फ पाव खाना अच्छा लगता है। जो बाजू में लड़का खड़ा है ना, छोटा सा लड़का, और वो आंटी वो हिमाद को देखकर हंस रहे थे कि सिर्फ बच्चा पाव खा रहा है तो हिमाद सिर्फ पाव खाते हैं, तो मैंने उनके लिए सिंगल पाव ले लिया है, लेकिन मैंने हिमाद के लिए डोसा वगैरह ऑर्डर कर दिया है, तो जैसे ही होगा मैं हिमाद को डोसा खिला दूँगी और हम लोग वड़ा पाव और चाय खाकर घर पर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है खाना वगैरह बनने के लिए, और सुबह से मैं सफ़ाई कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा खाना नहीं हुआ है, थोड़ी सी वीकनेस मुझे लग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम ईज़िली हो जाएगा मेरे से। तो चलिए मैं हिमाद को डोसा वगैरह खिला देती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर पर। और मैं घर पर आ गई हूँ, जो चिकन मैंने कल के लिए लाया है उसको मैंने वॉश करके फ्रिज में रख दिया है, और जो आज मैं बनाऊंगी उसको मैंने यहाँ पर पानी में डालकर रख दिया है, इसको ही मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन मैंने इसको फिर से पानी में डालकर रख दिया है ताकि और अच्छे से साफ़ हो जाए। और मैं कल के लिए सलाद वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा ककड़ी और गाजर वगैरह लेकर आई हूँ, टमाटर भी लेकर आई हूँ, और बैंगन मैंने ले लिए थे ताकि एक सब्ज़ी मेरे पास एक्स्ट्रा रह जाए, क्योंकि इसके पापा का कुछ भरोसा नहीं, कभी बोल देंगे सब्ज़ी बनाओ, कभी बोल देंगे चिकन बनाओ, तो इसलिए मैंने एक सब्ज़ी यहाँ पर एक्स्ट्रा ले ली है, वैसे तो कल बनने वाली है नहीं, लेकिन जब भी बनेगी बनेगी, लेकिन मैंने ले लिया है, तो मैंने इनको अच्छे से वॉश कर दिया है, अब मैं इनको साइड में रख दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए, उसके बाद मैं इसको कपड़े से पोंछ कर फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के बाद। और मैं यहाँ पर कोथमीर और पुदीना भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं इंशाल्लाह कल बिरयानी बनाऊँगी, इरादा तो मेरा कल बिरयानी बनाने का है, देखते हैं क्या बनता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोथमीर और पुदीना भी लेकर आई हूँ। सारी जो बिरयानी के इंग्रेडिएंट है वो मैं लेकर आ गई हूँ, दही, कोथमीर, पुदीना वगैरह सब, तो चलिए मैं इन सबको छाँट कर रख देती हूँ। और कोथमीर में बहुत ज़्यादा कीचड़ था, बारिश की वजह से कीचड़ ज़्यादा आ जाता है सब्ज़ियों में, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर छाँट रही हूँ। तो चलिए, और मैं यहाँ पर केले लेकर आई थी, हिमाद को केला खाना था तो मैंने थोड़े से ही केले ले लिए थे, और मैंने इनको यहाँ पर वॉश इसलिए किया है मुझे, क्योंकि थोड़ा बारिश के छींटे वगैरह उस पर उड़ गए थे तो मुझे थोड़ा अनहाइजीनिक लग रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा वॉश करके रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि सुबह से काम करने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं रोटी वगैरह कुछ बनाऊँ और सालन बनाऊँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा पुलाव बना लेती हूँ, और जो फ़िश लेकर आई हूँ मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पर चिकन का फीका वाला पुलाव बना रही हूँ, जिसमें मिर्ची मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ एक दो मिर्ची मैं इसमें डाल दूँगी, वो भी बिना कटी हुई ऐसे ही डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा उसमें तीखापन आ जाए, क्योंकि हिमाद के पापा का जो है वो मुंह आ गया है, उनके मुंह में छाले आ गए हैं, तो मैं आज बिल्कुल तेज़ नहीं बनाऊँगी, जितना हो सके उतना मैं फीका बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है दही, अदरक, लहसुन, नमक एंड टमाटर, इन सबको मैं गला लूँगी जब तक कि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख नहीं जाता और टमाटर गल नहीं जाते, और चिकन भी 50% कुक हो जाएगा इसके साथ में, और टमाटर मैं ऐसे रफली चॉप करके डाल रही हूँ।
तो चलिए जब तक कि हमारा चिकन वगैरह गलता है, मैं यहाँ पर फ़िश को मैरिनेट कर लेती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के जो लेमन है उसका जूस मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। जितना हम लेमन जूस डालेंगे उतना टेस्टी होगा फ़िश। और मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दिया है, क्योंकि हिम्मत के पापा के मुंह में छाले आ गए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मैंने इसमें 2 पार्टीशन कर लिए हैं, एक तो मैं इसके पापा के लिए बनाऊंगी हल्की मिर्च वाला, और जो दूसरा वाला है वो मैंने इसमें ज़्यादा मिर्च ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फीका वाला फ़िश, क्योंकि फ़िश में अगर मिर्ची रहेगी एंड लेमन जूस रहेगा तो ही फ़िश अच्छे से टेस्ट आता है। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा मिर्च ऐड कर रही हूँ, और मैं दोनों को यहाँ पर साइड में कर दूँगी। उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट के बाद इसको फ्राई कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अनियन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 2 मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने चिकन को गलाने के लिए जो रेडीमेड आता है वो मैंने यूज़ किया था। और प्याज हमारी लाल हो गई है, अब हम इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा कोथमीर पुदीना हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जिसको हमने टमाटर वगैरह डालकर गला लिया था, और इसको भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करूँगी, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और मैंने यहाँ पर 1 लेमन जूस ऐड कर दिया है, ताकि पुलाव थोड़ा सा खट्टा खट्टा हो जाए। ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा पुलाव अगर हम लेमन जूस ऐड करते हैं तो। और इसको मैं ढककर पकाऊंगी और 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, जितना मैंने चिकन लिया है उतने ही मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, और चावल के 2 हिस्से हम पानी ऐड कर देंगे। सबको पता है फिर भी बता रही हूँ। तो पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, उस सारा पानी सूखने तक मैं इसको पकाऊँगी। तो चलिए जब तक कि हमारे पुलाव बनते हैं मैं यहाँ पर फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारी ईद की तैयारी करने के लिए। और खाना हमारा बन गया है। मैं यहाँ पर परवेज़ को और हिमात के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो चलिए मैं उनको खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। और मैंने अभी कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए हैं, मैं सोच रही थी कि खाना बना लूँगी उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी, लेकिन मेरा सारा काम धरा का धरा रह गया है, क्योंकि हिमात के अब्बू का अभी फ़ोन आया था कि वो और उनके दोस्त आ रहे हैं, उनके 4 दोस्त हैं और वो हैं, वो लोग सोफ़ा लेकर आ रहे हैं। हमारा जो सोफ़ा था हमने 1.5 महीना पहले उसको रिपेयर कराने के लिए दिया था, उसके जो हैंडल्स थे वो ख़राब हो गए थे, तो हमने सोचा कि उसको हम रिपेयर करा कर लेते हैं, लेकिन तकरीबन 1.5 महीना पहले दिया हुआ सोफ़ा अभी रिपेयर होकर आ रहा है हमारा। तो वही इसके पापा का फ़ोन आया था कि हम लोग आ रहे हैं, आप खाना रेडी रखना। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी मुझे जाना है फिर से खाना बनाने के लिए। और मैंने सोचा था कि मैं जो पुलाव है उसको बना लेती हूँ, फटाफट मेरा काम हो जाएगा, तो मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर लूँगी और कल शीरखुरमे के लिए सारे मखज़ियात वगैरह तराश लूँगी। सारी मैं तैयारी आज ही कर रख दूँगी, क्योंकि मुझे और अदरक लहसुन भी पीसना था ईद के लिए, लेकिन सारा काम मेरा यहीं पर रुक गया है। अभी मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए, मैं भी चिकन बनाऊंगी, चिकन चंगेज़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी रोटी में बना लूंगी, 10-12 रोटी में बना लूंगी और चिकन चंगेज़ी बना लूंगी। और पुलाव रखा हुआ है, तो
तो खाना हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए, और अभी मैं आगे शूट नहीं करूंगी क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है मुझे खाना बनाने के लिए और वो लोगों को आने के लिए। और जब सब काम हो जाएगा तब मैं आपसे मिलूंगी। तो चलिए चलते हैं, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं बात करते बैठूँ। मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, सारा खाना वगैरह बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और मैं यहाँ पर रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, बहुत सारा काम है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको पानी में डाल रही हूँ ताकि मैं इनको काट सकूँ, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलेगा ये सब काम करने के लिए, ये मुझे रात में ही करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इनको पानी में डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको बॉईल करूँगी तो जो मेरा काम है वो आसान हो जाएगा। और मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं पहले ही इनको पानी में सोख करके रख देती तो ईज़िली ये कट जाते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको अभी बॉईल कर देती हूँ, उसके बाद मैं इनको तराशूंगी। और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, सारा काम जो है मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए हैं और ये लोगों ने खाना खाकर इनके दोस्त चले गए थे। और अभी मैं यहाँ पर आपको सोफ़ा नहीं दिखाऊंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा मेरा ईद वाला व्लॉग तब मैं आपको मेरा सोफ़ा दिखाऊंगी। और मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, लेकिन अभी मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी, दूसरे या तीसरे दिन मैं मेहंदी लगा लूंगी। तो जो मेरी तैयारी है वो सारी पोस्टपोन हो गई है 1:30 बजे रात के लिए, क्योंकि अभी तो 12:30 बज रहे हैं, 1 घंटा और मुझे लगेगा ये सारी तैयारी को कम्प्लीट करने के लिए, सारे मसालों को काटने के लिए। पता नहीं और कितना टाइम लगने वाला है, 1 घंटा तो मैंने सोचा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, ईद वाले व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने लोगों के साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से जो मेरे मग़ज़ियात हैं वो काटते हैं, उसके बाद हम इस व्लॉग को एंड कर देंगे। और मैं यहाँ पर आपको सिवाई दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं कोई सामान लाई नहीं हूँ, मेरे पास घर में ही अवेलेबल था तो मैं नहीं लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ये बॉयल हो गए हैं, मैं इनको रख देती हूँ साइड में, इनको मैं 5 मिनट छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इनको काटूँगी। थोड़ा सा गर्म है ये इसलिए मैं चम्मच से निकाल रही हूँ, और मैं बहुत बारीक मग़ज़ियात को काटती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब बारीक बारीक मग़ज़ियात मुँह में आते हैं, जब हम शीर खुरमा पीते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे जितने बारीक रहेंगे ना, जितने महीन रहेंगे उतने अच्छे लगते हैं। और ये चारोली है, इसको मैंने छील लिया है। चारोली के छीलने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, पहले मुझे पता नहीं था कि इसको किस तरह से छीलते हैं, लेकिन अभी मुझे फाइनली पता चल गया है। और ये देखिए मैं कितना महीन मैंने यहाँ पर काटा है, दूर से थोड़े मोटे मोटे लग रहे हैं, मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत बारीक मैंने इसको काटा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, दुआ में याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।